जोधपुर के बहुचर्चित अनीता हत्याकांड की। इस मामले में आरोपी गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा परवीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी थी, जिसके बाद अधिकृत रूप से आबिदा की गिरफ्तारी की गई है और अब उसे अदालत में पेश किए जाने के साथ ही रिमांड पर लिया जा सकता है और रिमांड पर सख्ती किए जाने से मामले पर कई और राज उजागर हो सकते हैं। डीसीपी पश्चिम राष्ट्रीय राज वर्मा ने इस पूरे मामले की पड़ताल की है। वही मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन की भी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। किसी भी वक्त गुलामुद्दीन की गिरफ्तारी हो सकती है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में फरार आरोपी ने पत्नी के साथ मिलकर प्री प्लान तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और साजिश के तहत महिला को अपने घर बुलाया। इसके बाद बेहोशी की दवा मिलाकर शरबत पिलाया, बेहोश होने के बाद में हत्या की और मीट काटने वाले चाकू से शव के टुकड़े टुकड़े कर बोरे में भर दिए गए और उसके बाद अपने घर के बाहर खोदे गए करीब 10 फीट गहरे गड्ढे में बोरे को दबा दिया। बदबू नहीं आए इसके लिए गड्ढे में इत्र भी छुड़का गया। डीसीपी राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया है कि आरोपी जुआ का आदी था और 12 लाख रुपए कर्जा कर रखा था। महिला से आरोपी का 25 साल से व्यवहार था। सरदारपुरा सी रोड पर दोनों की आमने सामने दुकान थी। महिला लाखों रुपए के गहने पहनकर रहती थी। ऐसे में गुलामुद्दीन ने गहने लूट कर कर्जा उतारने का प्लान बनाया था, जिसमें उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा पूरा साथ दिया। गुलामुद्दीन ने पत्नी के साथ मिलकर अनीता को झांसे भी लिया और 26 अक्टूबर को अपने घर पर बुलाया। बेहोशी की दवा मिलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। में जैसे ही ये घटनाकारी थी, उसके बाद हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18-19 लोगों को हमने डिटेन किया, जितने भी संदिग्ध थे। इसमें इसकी पत्नी भी थी, इनका नाम आबिदा है। इनसे पूछताछ में, जो अभी तक पूछताछ में और प्रारंभिक अनुसंधान में ये चीज़ आई है कि इनके ऊपर काफ़ी कर्ज था, आरोपी और इनकी पत्नी के ऊपर। इन्होंने अपना एक घर लिया है बुरानाडा में लोन लेकर, और साथ ही आरोपी जो है जुआ सट्टा खेलने का भी आदी था। मोबाइल एप्लीकेशंस पर जुआ सट्टा खेलता था और अलग अलग जगह से इसके सर पर कर्जा हो गया था। हमने काफ़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी रिट्रीव किए हैं, जिससे पता चल रहा है कि भाई ये पैसे के लिए इन्होंने ये घटना कारित की है। पर ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये अभी तक जो पत्नी है इसके पूछताछ से और जो रिकॉर्डिंग्स मिली है उसके आधार पर ये भी चीज़ें सामने आई है। इसके अलावा और किसी व्यक्ति की अगर कोई भूमिका हो, अगर और कोई एंगल हो, वो एक बार जब मेन आरोपी अभी हमारे गिरफ्त में आएगा उसके बाद वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आगे वो पीछे पीछे पुलिस की टीम है, कहीं ना कहीं बहुत जल्द सुराग लग सकता है, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर लेकर के देखें कि एक सोची समझी साजिश के तहत लूट हुई नहीं हुई, कोई और था या नहीं था, इस पूरे मामले को किस तरीके से अंजाम दिया गया, जब तक मुख्य आरोपी सामने नहीं आता कहना जल्दबाजी होगा। अभी तक जो कुछ भी सामने आ रहा है वो आबिदा के कहने पर, उसके बयानों पर, पूछताछ में जो तथ्य है उसके आधार पर कहा जा रहा है। सुवर्ण सिंह गर्ग के साथ राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर। अनीता चौधरी की हत्या से जुड़ी अब एक बड़ी अपडेट भी आपको बता देते हैं कि हत्या के मुख्य आरोपी यानी कि गुलामुद्दीन की गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी की सफेद कलर की एक्टिवा बरामद की है। पुलिस को एक्टिवा की डिग्गी में मिला एक मोबाइल और मोबाइल में सिम को पहले से ही निकाल लिया गया था, फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। गाड़ी की डिग्गी में दूध, दही और सब्जियां भी मिली है और इसी आधार पर अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। गुलामुद्दीन की पत्नी की गिरफ्तारी हो चुकी है, उससे भी पूछताछ की जा रही है और अब तक की पूछताछ में भी कई चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले पर देखने को मिले हैं। लेकिन अब बड़ा अपडेट यह है कि गुलामुद्दीन की गाड़ी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी की सफेद कलर की एक्टिवा बरामद की है। पुलिस को एक्टिवा की डिग्गी में एक मोबाइल मिला है। हालांकि मोबाइल का सिम कार्ड पहले से ही निकाला जा चुका है, फिर भी उस फोन की पड़ताल करने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इसके अलावा गाड़ी की डिग्गी में दूध, दही और सब्जियां भी मिली है।